पुलिस टीम द्वारा दो अंतर्राज्यीय शातिर वाहन चोर गिरफ्तार। लोकल इनपुट व मुखबिर की सूचना पर दो शातिर चोर को DPS चौराहे विजयनगर के पास से मई चोरी की एक मारुति बलेनो व एक वैगन कार व एक तमंचा व एक जिंदा कारतूस एवं एक नाजायज चाकू के साथ गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्त गण का एक साथी फरार है। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है। गाजियाबाद से संवाददाता अनिल अग्रवाल की खास रिपोर्ट। क्या है पूरा मामला, क्या बरामद किया गया है? आज कोतवाली विजयनगर की पुलिस लोकल इनपुट के आधार पे वाहन चोरों के गिरफ्तारी के प्रयास में उसी इनपुट के आधार पे दो वाहन चोरों को हम लोगों ने पकड़ा है DPS चौराहे के पास से। सुबह 6 बजे इनके पास से दो वाहन फोर व्हीलर भी मिले हैं जो चोरी के हैं, और इनसे पूछताछ में ये बात आई है कि इनके द्वारा पिछले 3-4 सालों से इस पर काम किया जा रहा है और तमाम गाड़ियां इन लोगों ने चोरी करके और लुधियाना और बिहार स्टेट में इन लोगों ने भेज दिया है। लुधियाना की पुलिस ने भी वहां के टाउन हॉल थाने में इन्हीं की गैंग के कुछ सदस्य पकड़े गए हैं, जहाँ पर 12 गाड़ियाँ बरामद हुई हैं। 2 गाड़ी हमारे यहाँ बरामद हुई है। अभी कुछ मुलजिम फरार हैं जिनके बारे में हम तलाश कर रहे हैं और बाकी पूछताछ कर रहे हैं कि इनके और साथी कौन कौन हैं। इनका आपराधिक इतिहास क्या है सर? इसमें गौरव के विरुद्ध अब तक जो आपराधिक इतिहास हमें प्राप्त हुआ है उसमें 9 मुकदमे हैं पहले के ही। ऑलरेडी 9 मुकदमे इनके पंजीकृत हैं, वाहन से संबंधित, चोरी से संबंधित और भी मुकदमे हैं, और उमेश के विरुद्ध सिर्फ एक अभी तक मुकदमा प्राप्त है, बाकी अभी जांच पड़ताल। गाड़ी कैसे चोरियां करते थे सर? गाड़ियां इनके पास, ये सामने किट रखा हुआ है, ये सारा टूल्स और किट सब सॉफ्टवेयर इनके पास है। बस 2 मिनट लगता है गाड़ी के पास जाते हैं, रैकी पहले करते हैं, उस रैकी करने के बाद ये 2 मिनट इनको लगता है गाड़ी के पास, ये पूरा सिस्टम को हैक कर लेते हैं गाड़ी के, और इसी कंप्यूटराइज सिस्टम की उससे अपना ये चाबी, जो उसकी चाबी है, इनकी चाबी उसमें लग जाती है, चाबी ये काम करने लगती है, इनके हिसाब से गाड़ी स्टार्ट हो जाती है, लेके चल देते हैं। अब तक सर कितनी गाड़ियां ये चोरी कर चुके हैं और उनकी सप्लाई कहाँ कहाँ? दर्जनों से ऊपर गाड़ियां इनके द्वारा किया जा चुका है, जिसमें 12 तो टाउन हॉल में वहाँ लुधियाना में बरामद हो चुकी, 2 हमारे यहाँ हो गई, 14 गाड़ी तो सामने सामने है। बाकी गाड़ियों की भी हम लोग जानकारी पूछताछ सब चल रही है। ये गैंग सर कहाँ कितना सक्रिय है और कितने सदस्य अभी इसके फरार हैं जिनको? मेरे हिसाब से इनमें और भी सदस्य हैं, इसके बारे में हम लोग अलग से ही कार्रवाई कर रहे हैं। ठीक है।